चैत्य भूमि बहुजन समाज का सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत, वो जगह जहां बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की समाधि है। चैत्य भूमि की अनेक कहानियां हैं। यहां ऐसे कई पात्र हैं जिन्हें फिल्मी पर्दे पर उतारा जा सकता है, लेकिन मुंबई का बॉलीवुड जो सबसे ज्यादा फिल्में बनाता है उसकी नजर कभी चैत्य भूमि पर नहीं पड़ती। क्यों एक महानायक के लिए बिना किसी इनविटेशन और बिना किसी बुलावे के लाखों लोग हर साल पहुंच जाते हैं, इसके पीछे की वजह जानने की कोई कोशिश नहीं करता। लेकिन जो काम बॉलीवुड के सवर्ण फिल्म मेकर नहीं कर पा रहे, वो काम कर रहे हैं बहुजन समाज से आने वाले मशहूर फिल्म मेकर सोमनाथ वाघमारे। सोमनाथ बाबा साहब की विश्राम स्थली चैत्य भूमि पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहे हैं। उनकी कोशिश है कि चैत्य भूमि के महत्व को देश दुनिया के लोगों को बताया जाए। लाइट्स कैमरा कास्ट के दूसरे एपिसोड में जानिए सोमनाथ वाघमारे और उनके प्रोजेक्ट चैत्य भूमि के बारे में। सो बेसिकली ये जो फिल्म है ये हर साल 6 दिसंबर को जो मुंबई में जो एक गैदरिंग होता है बाबा साहब का, जो चैत्य भूमि नाम से एक साइट है मुंबई में, वहाँ उस साइट के अराउंड जो भी उस मोस्टली जो चैत्य भूमि का जो हिस्ट्री है एंड चैत्य भूमि का जो जो गैदरिंग है, पूरे दुनिया भर से लोग बाबा साहब को अभिवादन करने आते हैं, मोस्ट इंडिया के पार्ट से लोग आते हैं उस गैदरिंग को, एंड यू नो 6 दिसंबर को लेके जो लोगों की फीलिंग्स है या जो हिस्ट्री है उसके ऊपर ये बेसिकली फिल्म है। ये फिल्म इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हर साल बाबा साहब एक ही ऐसे लीडर है इंडिया से जिनके डेथ के बाद कितने तो साल हो गए, फिर भी लाखों लोग गैदरिंग करते बिना इनविटेशन का। ऐसे किसी भी लीडर के लिए पूरे दुनिया भर में लोग नहीं आते हैं, तो ये जो गैदरिंग है एंड यू नो चैत्य भूमि का जो हिस्ट्री है एंड यू नो कंटेम्पररी इंडिया का जो पॉलिटिक्स है उसी के ऊपर ये फिल्म है। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब के महापरिनिर्वाण के बाद दिल्ली के सियासी लोगों ने उनकी समाधि को दिल्ली में ना बनने देने के लिए तमाम षड्यंत्र रचे। कहते हैं तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू नहीं चाहते थे कि बाबा साहब की समाधि दिल्ली में बने, क्योंकि दिल्ली में वर्णवाद के समर्थक गांधी की समाधि पहले से मौजूद थी। अगर बाबा साहब की समाधि भी संसद के पास दिल्ली में कहीं बन जाती तो जरा सोचिए हर साल 6 दिसंबर और 14 अप्रैल को देश की राजधानी में कैसा नजारा होता। लेकिन दिल्ली से 1415 किलोमीटर की दूरी पर मुंबई में चैत्य भूमि पर भी हर साल लाखों लोग आते हैं। सोमनाथ की फिल्म ऐसी कई प्रेरक कहानियों को आपके सामने रखेगी। ये फिल्म बनाने का एक रीज़न ये था कि जो मेनस्ट्रीम सिनेमा है या मेनस्ट्रीम जो मीडिया है वो हमेशा यू नो अम्बेडकराइट हिस्ट्रीज को, अम्बेडकराइट सेलिब्रेशन को इग्नोर करता है। मतलब मुंबई में हर साल 6 दिसंबर को ऑलमोस्ट 1 तारीख से लोग पूरे इंडिया से आना स्टार्ट करते हैं एंड उसका छोटा न्यूज़ भी नहीं होता है। मतलब इवन आप 7 तारीख का न्यूज़पेपर देखेंगे तो किसी भी इंग्लिश न्यूज़पेपर में मुंबई के दादर में आए हुए 30 लाख लोगों के बारे में, बाबा साहब के बारे में छोटा न्यूज़ भी नहीं होता है। सो इसी मोस्टली ये फिल्म बनाने का रीज़न यही है कि जो यू नो जो कंटेम्परी अम्बेडकराइट असर्शन है वो लोगों तक लेके जाना। बहुजनों के पास अद्भुत कहानियां होती हैं, साहस, पीड़ा, शोषण और विद्रोह की ऐसी तमाम कहानियां हैं जिन पर शानदार फिल्में बन सकती हैं। लेकिन हर चीज को जातिवाद के लेंस से देखने वाले सवर्ण फिल्म मेकर्स को ये कहानियां नहीं लुभाती। संजय लीला भंसाली जैसे लोग जातिवादी पेशवा बाजीराव जैसे किरदारों पर तो फिल्में बनाते हैं, लेकिन पेशवा की 28,000 की सेना को कैसे 500 महार सैनिकों ने धूल चटा दी थी उस महासंग्राम की कहानी में उन्हें दम नजर नहीं आता। लेकिन अब बहुजन फिल्म मेकर इन कहानियों को जिंदा कर रहे हैं। हालांकि संसाधनों की भी भारी किल्लत होती है, लेकिन अम्बेडकरवादी मिशन को आगे बढ़ाने का सपना रुकने नहीं देता। सो मोस्टली यू नो एक तो हमारा जो भी यू नो सिनेमा इंडस्ट्री है, मीडिया इंडस्ट्री है, वो जो इंडिया के जो हिस्टोरिकल प्रिविलेज
कास्ट है, हिस्टोरिकल प्रिविलेज क्लास के लोग हैं, उन्हीं ने कंट्रोल किया है। सो मोस्टली हमारे पास रिसोर्स नहीं है, मतलब मैं मोस्टली फिल्म जो करता हूँ उसका कोई प्रोड्यूसर नहीं होता है, मैं क्राउड फंडिंग करके फिल्में बनाता हूँ। एंड मोस्टली ये जो क्राउड फंड देने वाले लोग हैं वो कम्युनिटी से होते हैं एंड इवन कुछ लिबरल लोग होते हैं। सो मोस्टली ये दिक्कत है कि फंड्स ना होना, यू नो मोस्टली फाइनेंशियल इशू बहुत होते हैं फिल्में बनाने के लिए। महाराष्ट्र के सांगली जिले से आने वाले सोमनाथ भीमा कोरेगांव पर भी डॉक्यूमेंट्री बना चुके हैं जिसे दुनिया भर में सराहा गया था। साथ ही उन्होंने बाबा साहब के विचारों को विस्तार देने वाली मशहूर लेखिका गेल ओमवेट और उनके साथी भरत पाटंकर पर भी डॉक्यूमेंट्री बनाई है। वो बहुजन समाज की कहानियों को अपने कैमरे के लेंस से पर्दे पर पेश करते हैं। एक रीज़न ये था, मैं गांव से हुआ और मैंने कास्ट सिस्टम काफ़ी क्लोजली देखा है कि जो भी लोग बोलते हैं कि कास्ट गायब हुआ, मैंने काफ़ी मतलब सामने से देखा है कि कास्ट सिस्टम कितना भयंकर गांवों में है और इवन शहरों में भी है। तो एक ये था एंड दूसरा मैंने मीडिया स्टडीज़ किया था पुणे यूनिवर्सिटी से एंड उसके बाद मैं कॉन्ट्रैक्ट पे काम करता था फिल्म इंस्टीट्यूट में। तब मुझे ये समझ में आया कि हमारे जो स्टोरीज़ है, हमारे मतलब दलितों की जो स्टोरीज़ है वो गायब है सिनेमा इंडस्ट्री से, एंड अगर वो बताए जाते हैं तो वो आर्टिकल 15 की तरह बताए जाते हैं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ क्षेत्रीय सिनेमा में भी जाति के सवाल को प्रमुखता नहीं मिलती। हीरो हमेशा सवर्ण दिखाई देते हैं और बहुजन किरदारों को भी पूर्वाग्रहों में लपेटकर पेश किया जाता है। सोमनाथ मानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री घनघोर जातिवादी है। एंड एक लंबा हिस्ट्री रहा है इंडियन सिनेमा के कि दलित स्टोरीज को इग्नोर करना एंड जब भी बताना वो गांधी के हरिजन आइडिया से बताना, एंड उसमें एक फिर सवर्णा हीरो भी होता है। एंड मुझे लगता है कि इस यही एक रीज़न था कि हमारी जो स्टोरीज है वो हमारे पर्सपेक्टिव से हम बताएंगे। हमें उम्मीद है कि ये सब जानने के बाद आप भी चैत्य भूमि का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। इस बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए दे सकते हैं, कोई सुझाव है तो वो भी आमंत्रित है। साथियों साथ ही हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ वीक।